हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सीख रहे हैं मैक्स डायनामिक्स विद वीएफएक्स मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, ये एक मैक्स डायनामिक्स की बिगिनर सीरीज है जहां पे आपको मैं एक एक करके सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कारपेट। आप एक कारपेट को कैसे बनाएंगे, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हेयर एंड फर के जरिए यहाँ पे हम लोग एक कारपेट बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कारपेट बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक बॉक्स ले लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से एक चैम्फर बॉक्स भी ले सकते हैं। तो एक्सटेंडेड में चले जाइए और यहाँ से ले लीजिए एक चैम्फर बॉक्स। तो मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा ऐसा बॉक्स ले लिया। ठीक है, ये पूरा चैम्फर बॉक्स है क्योंकि हमें उसके लिए थोड़ा सा चैम्फर चाहिए एरिया। एंड नीचे में मैं जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ जो कि हमारे लिए काम करेगा जमीन का। तो सपोज ये मेरा यहाँ पे होने वाला है अभी, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे से रख लेता हूँ और ये मेरा कारपेट होने वाला है। ज्यादा बड़ा कारपेट हम नहीं बना रहे हैं। ज्यादा बड़ा कारपेट बनाने से प्रॉब्लम एक चीज का होगा कि जो कारपेट है वो थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तो चलिए, मैंने बहुत ही छोटा सा लिया है और मैं इसकी हाइट को भी थोड़ा और कम करूंगा, इतने बड़े मोटा भी नहीं रखना है। चलिए डन। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे, मैं पहले सबसे पहले फाइल को सेव करूंगा। तो आते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं इसको। चलिए हमने यहाँ पे अभी सेव कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि इसे सिलेक्ट करना है और यहां से जाना है हेयर एंड फर और यहाँ पे आ जाना है। अभी आप देखेंगे कि नीचे में भी निकल गया, सो डोंट वरी। आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको अपडेट कर दीजिए। तो क्या होगा, नीचे में नहीं रहेगा क्योंकि मुझे नीचे में रखना भी नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा इसको कारपेट जैसा फील इसके अंदर मुझे देनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे इसको पहले जाइए और इसके जो टूल्स हैं आप इस टूल्स को छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ पे आना है आपको सबसे पहले और ये काउंट जो है इसको थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे इसको। डन। एंड यहां से जो ये है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसका रूट का जो थिकनेस है थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि कारपेट में उतना मोटा नहीं रहता है। टिप थिकनेस थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे क्योंकि कारपेट है, घास की तरह नहीं दिखना चाहिए, ऊपर में भी इसकी थोड़ी सी चीजें होनी चाहिए। तो टिप में थोड़ा ऐसा रखेंगे, इस तरीके का टीप दिखेगा। घास में होता है कि वो एकदम नुकीला होता है, लेकिन यहां पे वो नुकीला नहीं होगा और यहां पे कुछ इस तरीके का वो दिखेगा। ये तो हो गया अभी हमारा। अभी हमें क्या करना है कि, लेकिन अभी देखो ये कारपेट जैसा हमें किसी भी हालत में नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी यहां से आप आइए और यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन लाइक ओके। पहले तो ये तो हो गया हमारा कि यहां पे हमने इसको कर लिया ऐसे। अभी हम यहां से आएंगे किंक पैरामीटर में, किंक पैरामीटर एंड फीज पैरामीटर, ये दो पैरामीटर्स में आपको आने हैं। और आने के बाद आपको यहां से इसके रूट को किंक करना है। देखो जैसा थोड़ा सा कारपेट जैसा होता है उस तरीके से हम इसको यहां से थोड़ा सा कर लेंगे और इसको ऐसे हमने थोड़ा सा कर लिया। एंड फीज टीप को भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा हम इसको रख लेंगे। डन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब इसका कट लेंथ थोड़ा सा ऐसा कम कर लो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जो ये वाला पोर्शन है इसको आप ऐसा रखिए। ये देखिए अभी ये कारपेट की तरह इधर उधर हो गया, लेकिन अभी कारपेट तो नीचे गिरा हुआ होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी वैसा ये नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक डायनामिक का टैब, आपको इस डायनामिक के टैब में जानी है एंड देन यू नीड टू ऐड द ग्रेविटी। बट ये ग्रेविटी तभी काम करेगा जब आपका ये चीज लाइव होगा। तो आप यहाँ से लाइव कर दीजिए, लाइव करेंगे तो ये हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको इसकी ग्रेविटी को थोड़ी सी इसे बढ़ा लेनी है। ये देखिए जैसे आपने बढ़ाया ग्रेविटी, देखिए आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है, अभी हम यहाँ से प्री कंप्यूटेड करेंगे, काम नहीं करेगा। दिस वन विल एक्चुअली वर्क। ठीक है, ये देखो एकदम पूरा इस तरीके से ये काम करेगा, लेकिन ये हिलता रहेगा। ठीक है, लाइव में ये हिलता रहेगा।
तो मैं फिलहाल के लिए इसको नन कर लेता हूं, और नन करके आप एक काम और कर सकते हैं कि यू कैन एड सम एक्सटर्नल फोर्स, लाइक यहां पे जाइए और यहां से जाके आप ले लीजिए ग्रेविटी, डाल दिया हमने ग्रेविटी, एंड देन आई विल कम टू दिस वन एंड देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, तो एड दिस फोर्स। ये देखिए हमने इस फोर्स को यहां पे एड कर दिया है, ठीक है। एड करके अगर आप यहां से कुछ करेंगे ये उतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, ये उतना वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने ऐड किया है ये तभी काम करेगा जब ये लाइव होगा। ये देखो जैसे आपने लाइव किया, देखो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नीचे की ओर आपका आराम से आ गया, ठीक है, एकदम नीचे की ओर ऐसे आराम से आ गया है और कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, यहीं से बना लेंगे इसको। मैं इसकी स्केल थोड़ी सी डाउन कर लेता हूं क्योंकि हमें वो बनाना है, कारपेट बनाना है, तो उसकी स्केल थोड़ी सी हम डाउन कर लेते हैं। डेंसिटी विल गुड एंड यहां पे हम जाते हैं थोड़ा सा, एंड स्ट्रेंथ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, सो यहां पे आइए आप ये फिज पैरामीटर में, और इसके रूट को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसा आपको रखना है। ये देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ये आपका काम करेगा। ये देखो ये हो गया अभी आपका कुछ इस तरीके का हमारा आ गया यहां पे। अभी मैं इसे एक काम और आप कर सकते हैं, आप यहां पे आइए, थोड़ी नहीं डिस्प्लेसमेंट तो हमें देनी नहीं है इसमें, जी हाँ। सो ये तो हो गया हमारा काम कंप्लीट यहां तक कि हमने, यहां पे देखो अभी देखो ये एकदम पूरा इस तरीके से दिखेगा। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूं और इसमें थोड़ा सा पासेस दे दूंगा क्योंकि ये कारपेट है तो कारपेट में थोड़ा सा पासेस रहता है। अभी अब इसको रेंडर मारिए, ये देखिए आपको ये कारपेट के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कारपेट के जैसा दिखने के लिए और भी चीजें चाहिए। जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा लाइफ को ऑन करके रखता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे लाइफ को ऑन कर लेता हूं, एंड ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स के जरिए मैं इस पर काम करता हूं। इसको डिलीट ही कर दो, इसकी जरूरत तो नहीं है, और आपके पास यहां पे ऑलरेडी ग्रेविटी है, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रेविटी है, तो इस ग्रेविटी को थोड़ा सा ऐसे ऊंचा कर दो, बस इतना में आपका ये कारपेट का काम और भी अच्छा दिखेगा। प्ले कीजिए इसको, ये देखिए। सो यहाँ पे आपको ये कारपेट और भी अच्छे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा और ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया है तो इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी और कम होनी को है, थोड़ा सा ऐसे ग्रेविटी कम करना है। इसके सेगमेंट्स को भी आप थोड़ा सा ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं, एंड रूट थिकनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एंड स्केल और थोड़ा सा ऐसे कम कर लेंगे। ये देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अगर आपको मटेरियल देनी है तो कैसे देंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा मटेरियल, वो मटेरियल आप इसमें कैसे ऐड करेंगे। जब आप देखते हैं ना कि कोई शेर वगैरह का कारपेट बना हुआ है या कोई पैटर्न्स है कारपेट के ऊपर, तो उन चीजों को भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मटेरियल में जाना है, और मटेरियल में जाकर यहां से एक आपको मटेरियल ले लेनी है, और सपोज मैं ये वाला ले लेता हूं तो मैं इसको कर लेता ओपन, और आपको क्या करना है आपको इसके ऊपर इसको डाल देना है। ये देखिए यहां पे आप इसको ऐसे डाल दीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो टेक लाइक यूवीडब्ल्यू मैप टू सेट इट परफेक्टली। तो ये ऐसा हो गया। अब मुझे जब मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो ये कारपेट भी ऐसा ही दिखना चाहिए, यहां पे ऐसा येलो येलो, तो ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट गो टू द मटेरियल पैरामीटर्स, एंड देयर इज अ मैप कॉल्ड टिप कलर एंड रूट कलर।
यहाँ पे दो ऑप्शंस है, डीप कलर एंड रूट कलर, एंड यू हैव टू यूज दिस मैप इनटू दिस वन। कैसे यूज करेंगे? तो यहां से आप बैक जाइए एंड दिस मैप को यहां से कॉपी कीजिए और इस पे छोड़ दीजिए इंस्टेंस। ओके, ये देखिए जैसे आपने इस पे किया, ये देखो उसके कलर के ये हो गए। अभी आप इसका रेंडर निकाल के देखिए। ये देखो अभी आप जैसे ही रेंडर निकालोगे, देखो एकदम पूरा उसी के तरीके से वो दिखेगा। इवन यू कैन ऑल्सो पुट द सेम रूट कलर ऑन दिस वन, ऐसे आप कर दीजिए तो ये रूट का भी कलर अच्छा से दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो जो टेक्सचर्स आप दिए हुए रहेंगे सेम टेक्सचर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये देखिए, और ये काफी अच्छे से आपको देखिए कारपेट काफी अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं इस कारपेट को और थोड़ा डिटेल करता हूं और डिटेल करके आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इसको ऐसे हम कर लेते हैं बड़ा और इम्प्रेस करते हैं। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग बना लेते हैं। सो यहां पे जाते हैं। अभी फिलहाल तो मेंटल रे ही यूज करने वाले हैं, कर लिया मैंने मेंटल रे यूज, यहां से इसको बंद कर देते हैं। अभी आते हैं, एम प्रेस करते हैं और यहां पे जाइए एंड जाके मैं यहां से ले लेता हूं थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंड मेंटल रे। आर्किटेक्चरल और आर्कन डिजाइन में आप चेक कर लीजिए एक बार। मुझे टाइल चाहिए, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस वाला टाइल लेना चाहता हूं मैं। और लेट्स सी इधर कहीं होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं। चलिए कोई नहीं, सो मैं इसको कर लेता हूं क्लियर। राइट क्लिक क्लियर और यहां पे जाओ एंड जस्ट यूज, यू कैन यूज द टाइल्स एंड इसके अंदर ड्रॉप कर दीजिए एंड यहां पे कर लीजिए 4x4, दैट्स इट। तो ये एक काम हो गया, कंट्रोल एस कर लेते हैं। और दूसरा काम होता है फटाफट यहाँ पे एक लाइट कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप लाइट नहीं करेंगे आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी। जी हो गया, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा इधर एंड जाते हैं इसके अंदर, मेंटल रे सन एंड द मेंटल रे स्काई, यस डन। और अभी आप यहां पे इसको ले लो, ऐसे कंट्रोल एस करो और यहां पे थोड़ा सा हाई क्वालिटी में मैं इसका रेंडर निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको इसकी क्लियरिटी अच्छे से समझ में आएगी। दैट्स इट। तो अभी देखिए आपको जो कारपेट है बहुत ही रियलिस्टिक नजर आएगा। ये देखिए ये कारपेट अभी आपको यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक नजर आने वाला है। ये देखिए सी, अभी मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूं और इस कारपेट का थोड़ा सा पासेस और बढ़ाता हूं, लाइक 5 करता हूं एंड देन रेंडर। जब पासेस बढ़ेगा तो इसमें थोड़ी सी ब्लरीनेस सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम भी ज्यादा लगने लग जाएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज है, दैट इज अ मेंटल रे पैरामीटर, सो मैं यहां से कैंसिल करता हूँ। अरे देखो, अप्लाई मेंटल रे सेडर्स, सो यहां से आपको मेंटल रे सेडर्स आप अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर अगर कुछ अप्लाई करना है तो अब यहाँ पे मेंटल रे कोई अगर सेडर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो सेडर्स आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको, जैसा है वैसे ही छोड़ देता हूँ एंड या डन एंड टेक रेंडर। और ये रहा आपका कारपेट और अभी आप देख सकते हैं कि काफी रियलिस्टिक ये कारपेट आपको दिख रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे कारपेट वगैरह आराम से बना सकते हो और काफी
रियलिस्टिक बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, जैसा कि ये तो मैंने मेंटल रे से आपको निकाला, यहाँ पे एक मेंटल रे का आप एक जस्ट रेंडर वंस। ओके, सो अगर मैं इसको अभी मेंटल रे में ना निकाल के अगर मैं इसको स्कैन लाइन में निकालूं तो ये और भी मतलब अच्छा ही दिखेगा, नॉट बैड। मेंटल रे के लिए मेंटल रे की मटेरियल्स वगैरह यूज करनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको उसकी मटेरियल्स यूज नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप अगर डे लाइट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी देखो रेंडर मारो एक बार, देखो कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि डे लाइट जो है, डे लाइट सिस्टम जो है वो मेंटल रे में ज्यादा परफेक्ट काम करता है। ये देखिए जो आपका डे लाइट सिस्टम है वो मेंटल रे में परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि आप जो इन्वायरमेंट लगा, देखो यहाँ पे कारपेट और भी बढ़िया दिखेगा, मतलब सॉफ्ट वाला कारपेट आपको दिखेगा। देखो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रेंडरिंग में जाता हूँ, इन्वायरमेंट ये वीरे में और भी बेहतर दिखता है। मैं यहां से पहले क्लियर कर देता हूँ, एंड जो भी ये चीज है ये सब मैं यहां से हटा देता हूँ, एंड देन रेंडर। अभी देखो मैंने क्या किया है कि मेंटल रे का जो स्काई वगैरह था वो मैंने हटा दिया है। अब सिंपल रेंडर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और अभी देखिए अभी आपको जो कारपेट है वो और बढ़िया दिखेगा, अपने और काफी सॉफ्ट दिखेगा, उससे ज्यादा मेंटल रे से ज्यादा। सो मेंटल रे जब भी यूज करेंगे तो आपको मेंटल रे का सेडर यूज करना पड़ेगा जिससे आप काम कर सकते। ये देखो ये और भी ओरिजिनल कारपेट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से दिस इज द टेक्निक जहां पे आप कारपेट वगैरह जनरेट कर सकते हो हेयर एंड फर के जरिए। सो इसमें से जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं, और अगर आप वीरे यूज कर रहे हैं तब तो ये और भी बेहतरीन और भी हाई क्वालिटी का टेक्सचर आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, थोड़े से दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जी हाँ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ यार, वो भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग। Oh, 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 oh